आज हम इलेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू दो इन्वर्टर्स को कंपेयर करेंगे ये पता करने के लिए कि कौन सा इन्वर्टर मोर एफिशिएंट है और किस इन्वर्टर से हमें मैक्सिमम सेविंग हो सकती है। दोनों इन्वर्टर्स को कंपेयर करने के लिए हमने दोनों इन्वर्टर्स को इलेक्ट्रोस्कोपी से कनेक्ट किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि हमने फाल्कन होम यूपीएस सिस्टम बी से कनेक्ट किया हुआ है और फाल्कन एचपीयू हमने सिस्टम ए से कनेक्ट किया हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं अगर हमें दो इन्वर्टर्स को कंपेयर करना है तो हमें तीन इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी मीटर, पावर एनालाइजर और सीआरओ। अगर ये इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल भी है इनका कनेक्शन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इलेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर ये तीनों इंस्ट्रूमेंट्स इनबिल्ट है। इलेक्ट्रोस्कोपी से दो इन्वर्टर्स के कंपेरिजन काफी ईजी हो जाता है। अगर हमें दो इन्वर्टर्स को कंपेयर करना है तो हमें इलेक्ट्रोस्कोपी का सॉफ्टवेयर लैपटॉप पे डाउनलोड करना पड़ेगा। ये सॉफ्टवेयर आप सुकैम के वेबसाइट से ले सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है। इलेक्ट्रोस्कोपी के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए पहले हमें गूगल पे सुकैम टाइप करना होगा। सुकैम टाइप करने के बाद पहले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सुकैम का वेबसाइट खुल जाएगा जिसका एड्रेस है www.sukam.com। इसके बाद हमें अगर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो एंड ऑफ द पेज पे जाएंगे और एम्प्लॉय लॉगिन पे क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हम एंड ऑफ द पेज पे जाएंगे और आप देख सकते हैं कि डाउनलोड इलेक्ट्रोस्कोपी सॉफ्टवेयर का लिंक प्रोवाइडेड है। यहां पे हम इसे क्लिक करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं अभी इलेक्ट्रोस्कोपी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है। इलेक्ट्रोस्कोपी के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपके डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट बन जाएगा, इसको आपको क्लिक करना है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि तीन ऑप्शंस आएंगे। इसमें से जो पहला ऑप्शन है कट एंड पेस्ट सॉफ्टवेयर, इसको आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप रिलीज पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शंस आ जाएंगे, इसमें से आपको सुकैम का ऑप्शन प्रेस करना है। ये क्लिक करने के बाद इलेक्ट्रोस्कोपी का सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्कोपी का होम पेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलेक्ट पोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपका पोर्ट नंबर शो होगा। शो होने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद इलेक्ट्रोस्कोपी का सेकंड पेज खुल जाएगा। उसके बाद सेलेक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी शो होगा। यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखाई देगा जहाँ पे आप ये चूज कर सकते हैं कि आप क्या कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम इन्वर्टर कंपेयर कर रहे हैं, आप होम अप्लायंसेज जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स, एलसीडी, एलईडी भी कंपेयर कर सकते हैं, साथ ही सोलर चार्ज कंट्रोलर और सोलर पैनल्स भी कंपेयर कर सकते हैं। अभी हम इन्वर्टर स्लैश यूपीएस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रोस्कोपी का थर्ड पेज है। इस पे हम सिस्टम ए और सिस्टम बी से कनेक्टेड अप्लायंसेस के स्पेसिफिकेशंस को फिल करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हम पहले मेक फिल करेंगे। इसके लिए हम क्योंकि ये दोनों इन्वर्टर सुकैम के हैं तो यहाँ पे हम सुकैम फिल करेंगे और सेकंड में हमें मॉडल फिल करना है तो यहाँ पे हम फाल्कन एचबीयू फिल करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने बाकी के सारे पैरामीटर्स फिल कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों सिस्टम्स 1100 वीए के कैपेसिटी के हैं इसलिए हमने 1100 वीए फिल किया है। उसके बाद दोनों सिस्टम्स 12 वोल्ट के हैं इसलिए डीसी वोल्टेज में हमने 12 वोल्ट फिल किया है। सारे पैरामीटर्स फिल करने के बाद दोनों इन्वर्टर्स को कंपेयर करने के लिए अब हम कंपेयर पे क्लिक करेंगे। पहले हम दोनों इन्वर्टर्स को मेन्स मोड पे कंपेयर करेंगे जिसके लिए हमें दोनों इन्वर्टर्स को मेन्स मोड पे लाना होगा। इसके लिए हमें दोनों इन्वर्टर्स को मेन से कनेक्ट करना होगा। दोनों इन्वर्टर्स को मेन्स से कनेक्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रोस्कोपी पे प्रोवाइडेड मेन्स ऑन स्विच को प्रेस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों इन्वर्टर्स करंटली मेन्स मोड पे हैं। अब हम दोनों इन्वर्टर्स के पैरामीटर्स कंपेयर करेंगे। आप देख सकते हैं ये फाल्कन एचबीयू के पैरामीटर्स हैं और ये सुकैम फाल्कन के पैरामीटर्स हैं। पहले हम बैटरी वोल्टेज देखेंगे। आप देख सकते हैं सुकैम फाल्कन एचबीयू से कनेक्टेड बैटरी 14.53 वोल्ट पे चार्ज है और फाल्कन प्लस से कनेक्टेड बैटरी 14.39 वोल्ट पे चार्ज है जो कि ऑलमोस्ट सेम है। उसके बाद हम चार्जिंग करंट देखेंगे।
क्योंकि फाल्कन एजब्यू का बैटरी थोड़ा चार्ज है, इसलिए वो कम चार्जिंग करंट से बैटरी को चार्ज कर रहा है, जो कि 8.8 एम्पीयर दिखाई दे रहा है। वहीं फाल्कन 10.8 एम्पीयर से अपने बैटरी को चार्ज कर रहा है। अगला पैरामीटर है पावर फेड टू बैटरी। आप देख सकते हैं कि फाल्कन एचब्यू 127 वॉट अपने बैटरी को फीड कर रहा है और फाल्कन 155 वॉट कर रहा है। फाल्कन एचब्यू का कम इसलिए है क्योंकि इसकी इससे कनेक्टेड बैटरी अभी चार्ज है। और उसके बाद हम देखेंगे इनपुट वोल्टेज। आप देख सकते हैं कि जो मेन से वोल्टेज फीड हो रहा है वो 232 वोल्ट दिखाई दे रहा है और फाल्कन में 232 वोल्ट फीड हो रहा है। उसके बाद हम इनपुट करंट देखेंगे जो कि फाल्कन एचब्यू का 0.7 है और फाल्कन का 0.9 दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम इनपुट पावर फैक्टर देखेंगे 0.8 फाल्कन एचब्यू का और 0.9 फाल्कन का। अगला पैरामीटर है इनपुट पावर डिलीवर्ड इन वीए, जो कि 178 है फाल्कन एचब्यू का और 225 है फाल्कन का। उसके बाद आप देख सकते हैं इनपुट पावर डिलीवर्ड इन वॉट, 145 फाल्कन एचब्यू का है और 212 फाल्कन का है। उसके बाद फाइनली हम एफिशिएंसी देखेंगे दोनों इन्वर्टर्स के। आप देख सकते हैं कि फाल्कन एचब्यू 87.9% एफिशिएंट है और फाल्कन 73.07% एफिशिएंट है। इन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है एफिशिएंसी का। फाल्कन एचब्यू का ज्यादा एफिशिएंट होने की वजह से हमें फाल्कन एचब्यू से काफी सेविंग्स भी होती है। इसे हमें यहाँ पे देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि पावर कंजम्पशन इन अ डे यहाँ पे प्रोवाइडेड है और पावर कंजम्पशन इन अ मंथ हमें दिखाई दे रहा है 52 किलोवाट आर फाल्कन एचब्यू का और फाल्कन का 76 किलोवाट आर। वहीं पावर कंजम्पशन इन अ ईयर भी हमें दिखाई दे रहा है, जो कि 636 किलोवाट आर है इन अ ईयर मेन्स मोड पे और 931 किलोवाट आर फाल्कन का है। इन दोनों में काफी डिफरेंस है। फाल्कन एचब्यू का पावर कंजम्पशन काफी कम है, इससे हमें काफी सेविंग्स हो सकती है। सेविंग्स कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट कॉस्ट एंटर करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हम 10 रुपीज पर यूनिट एंटर कर रहे हैं। अब हमें कैलकुलेट सेविंग्स पे क्लिक करना होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें शो हो रहा है मनी सेव्ड इन अ ईयर, जो कि फाल्कन एचब्यू का 1333 रुपीज दिखाई दे रहा है, जो कि काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू सुकैम फाल्कन। इसके अलावा हम दोनों इन्वर्टर्स के डीसी वेवफॉर्म भी कंपेयर कर सकते हैं। इसके लिए हमें डीसी वेवफॉर्म पे क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं कि ये दोनों इन्वर्टर्स के डीसी वेवफॉर्म है। जो ब्लू वेवफॉर्म है वो फाल्कन एचब्यू का है और रेड फाल्कन का दिखाई दे रहा है। जैसे आप देख सकते हैं फाल्कन एचब्यू प्योर डीसी से बैटरी को चार्ज कर रहा है, जिसकी वजह से बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है। और आप देख सकते हैं कि फाल्कन में बहुत सारे डिस्टॉर्शंस हैं, जिसकी वजह से ये बैटरी को इम्प्योर डीसी से चार्ज करता है, जिससे बैटरी की लाइफ काफी कम हो जाती है। इसके अलावा हम दोनों इन्वर्टर्स के चेंज ओवर टाइम मेन्स टू इन्वर्टर यूपीएस मोड पे भी देख सकते हैं, जिसके लिए हम दोनों इन्वर्टर्स के बैक पैनल पे प्रोवाइडेड स्विच को यूपीएस मोड पे सिलेक्ट करेंगे। ये सुकैम फाल्कन का बैक पैनल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्विच प्रोवाइडेड है वाइड यूपीएस और यूपीएस मोड सेलेक्ट करने के लिए। अभी हम इन्वर्टर को यूपीएस मोड पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये फाल्कन एचब्यू का बैक पैनल है, इस पे एक स्विच प्रोवाइडेड है वाइड यूपीएस और यूपीएस मोड सेलेक्ट करने के लिए। अभी हम फाल्कन एचब्यू को यूपीएस मोड पे सिलेक्ट करेंगे। चेंज ओवर देखने के लिए पहले हमें दोनों इन्वर्टर्स के मेन्स को ऑफ करना होगा। अब मेन्स को ऑफ करने के लिए और दोनों इन्वर्टर्स को इन्वर्टर मोड पे लाने के लिए हम इलेक्ट्रोस्कोपी पे प्रोवाइडेड मेन्स ऑफ स्विच को प्रेस करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये दोनों इन्वर्टर का मेन्स टू इन्वर्टर मोड चेंज ओवर टाइम है यूपीएस मोड पे। आप देख सकते हैं जो ब्लू ग्राफ है वो फाल्कन एचब्यू का है और रेड ग्राफ फाल्कन का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेन्स मोड खत्म हो रहा है और इन्वर्टर मोड शुरू हो रहा है, तो इनके बीच में हम मिली सेकेंड्स काउंट करेंगे। आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मिली सेकेंड्स का हमें चेंज ओवर टाइम दिखाई दे रहा है और फाल्कन का आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मिली सेकेंड्स का चेंज ओवर टाइम यहाँ पे शो हो रहा है।
अब हम दोनों इन्वर्टर्स के वाइड यूपीएस मोड पे मेंस टू इन्वर्टर चेंज ओवर टाइम देखेंगे। अभी हम फाल्कन को वाइड यूपीएस मोड पे सेलेक्ट करेंगे। अब हम फाल्कन एचवीओ को वाइड यूपीएस मोड पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये दोनों इन्वर्टर्स का वाइड यूपीएस मोड पे चेंज ओवर टाइम ग्राफ है। जो ब्लू वाला ग्राफ है वो फाल्कन एचवीओ का है और रेड वाला ग्राफ फाल्कन का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंस मोड खत्म हो रहा है और यहाँ से इन्वर्टर मोड शुरू हो रहा है। इनके बीच हम मिली सेकेंड्स काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मिली सेकेंड्स का चेंज ओवर टाइम दिखाई दे रहा है। और अब हम फाल्कन का देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 मिली सेकेंड्स का चेंज ओवर टाइम दिखाई दे रहा है। अभी हम दोनों इन्वर्टर से कनेक्टेड मेंस की वेवफॉर्म देखेंगे, जिसके लिए हमें एसी वेवफॉर्म पे क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं कि हमें एसी वेवफॉर्म यहाँ पे शो हो रहा है। जो ब्लू वाला ग्राफ है वो फाल्कन एचवीओ का है और रेड ग्राफ फाल्कन का है। आप देख सकते हैं कि ये वेवफॉर्म प्योर साइन वेव नहीं है, इसमें काफी डिस्टॉर्शंस है, जिसकी वजह से आपके इन्वर्टर और उससे कनेक्टेड अप्लायंसेस पे काफी फर्क पड़ेगा। अब हम इसका इन्वर्टर मोड पे एसी वेवफॉर्म चेक करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दोनों इन्वर्टर्स के आउटपुट वेवफॉर्म शो हो रहे हैं, जो कि प्योर साइन वेव है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे घर में मेन सप्लाई आ रही है वो इम्प्योर साइन वेव के फॉर्म में होती है और जो इन्वर्टर की आउटपुट है वो प्योर साइन वेव के फॉर्म में होती है, जिससे हमारे इन्वर्टर से कनेक्टेड अप्लायंसेस सेफ रहते हैं। अब हम दोनों इन्वर्टर्स की एफिशिएंसीज को इन्वर्टर मोड पे कंपेयर करेंगे, जिसके लिए हमने दोनों इन्वर्टर से 200 वाट का लोड कनेक्ट किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों इन्वर्टर्स करंटली इन्वर्टर मोड पे हैं। अब हम दोनों इन्वर्टर्स के पैरामीटर्स कंपेयर करेंगे। आप देख सकते हैं ये फाल्कन एचवीओ के पैरामीटर्स हैं और ये फाल्कन के पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर है बैटरी वोल्टेज। फाल्कन एचवीओ का आप देख सकते हैं 11.9 वोल्ट पे है बैटरी और फाल्कन से जो कनेक्टेड बैटरी है वो 11.4 वोल्ट पे है। दोनों इन्वर्टर्स के बैटरीज एक ही लेवल पे है ऑलमोस्ट। उसके बाद हम दूसरा पैरामीटर देखेंगे, जो कि है डिस्चार्जिंग करंट। अब फाल्कन एचवीओ का देख सकते हैं 13.9 एम्पियर है और फाल्कन का 18.4 है सेम लोड पे, जो कि 200 वॉट है। अगला पैरामीटर हम देखेंगे पावर टेकन फ्रॉम बैटरी, जो कि फाल्कन एचवीओ का 165 वॉट है और फाल्कन का 209 वॉट है। इससे आप ये देख सकते हैं कि फाल्कन एचवीओ कम पावर ले रहा है बैटरी से, जिससे हमें काफी ज्यादा बैकअप मिलता है। अगला पैरामीटर है आउटपुट वोल्टेज, जो कि 209 वोल्ट है सुकैम फाल्कन एचवीओ का और 222 वोल्ट है फाल्कन का। उसके बाद आउटपुट करंट, करंटली दोनों इन्वर्टर्स 200 वॉट लोड पे रन कर रहे हैं, इसलिए 0.73 एम्पियर आउटपुट करंट है और 0.75 एम्पियर फाल्कन का है। ऑलमोस्ट सेम है दोनों आउटपुट करंट। उसके बाद हम आउटपुट पावर फैक्टर देखेंगे, जो कि फाल्कन एचवीओ का 1 है और फाल्कन का 0.9। उसके बाद आउटपुट पावर डिलीवर्ड इन VA, जो कि 155 है और फाल्कन का 167 है। आउटपुट पावर डिलीवर्ड इन वॉट 152 है और फाल्कन का 166। फाइनली हम एफिशिएंसी देखेंगे दोनों इन्वर्टर्स का, जो कि 92% फाल्कन एचवीओ का है और 79% फाल्कन का है। आप देख सकते हैं कि फाल्कन एचवीओ का एफिशिएंसी काफी ज्यादा है। फाल्कन एचवीओ ज्यादा एफिशिएंट है, जिसकी वजह से हम फाल्कन एचवीओ से ज्यादा सेविंग्स कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं पावर कंजम्पशन इन अ डे भी ये सॉफ्टवेयर हमें दिखाता है और उसके बाद पावर कंजम्पशन इन अ मंथ भी हम देख सकते हैं, जो कि 16 किलोवाट आर है फाल्कन एचवीओ का और 17 किलोवाट आर है फाल्कन का। फाइनली हम पावर कंजम्पशन इन अ ईयर देख सकते हैं, जो कि 194 किलोवाट आर है फाल्कन एचवीओ का और फाल्कन का 212 किलोवाट आर है। आप देख सकते हैं कि फाल्कन एचवीओ का पावर कंजम्पशन काफी कम है। इसके बाद अगर हमें मनी सेव्ड इन ईयर कैलकुलेट करना है, इसके लिए हमें एनर्जी पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पे फिल करना होगा। आप देख सकते हैं कि मैं 10 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट फिल कर दिया है। इसके बाद आपको कैलकुलेट सेविंग पे क्लिक करना होगा। जैसे आप देख सकते हैं मनी सेव्ड इन ईयर हमें दिखाई दे रहा है, जो कि 1227 रुपीज है फाल्कन एचवीओ का, जो कि एक बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट है। जैसे कि आपने अभी देखा,
हमने इलेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू दो इन्वर्टर्स सुकैम फाल्कन एचव्यू और सुकैम फाल्कन को कंपेयर किया और ये जाना कि सुकैम फाल्कन एचव्यू ज्यादा एफिशिएंट है और इस इन्वर्टर से हम ज्यादा सेविंग्स कर सकते हैं। तो इस तरह हम इलेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू कोई भी दो इन्वर्टर्स या अप्लायंसेस कंपेयर कर सकते हैं और ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट होगा।